ये मुझे ऐसा लगता है फेक वीडियोस, डॉक्टर वीडियोस, एडिटेड वीडियोस, जो भी नाम आप दीजिए, ये एक बड़ी समस्या तो बनती जा रही है। और इस बार ये मसला जिस तरह से सुर्खियों में है, मुझे ऐसा लगता है इस बार इसका इसको एक तार्किक परिणति पर पूरे देश को पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन प्रथम दृष्टया कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसे जारी किया जाना और अनेक वरिष्ठ राजनेताओं ने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इसे जब रिट्वीट किया है, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए। जहां तक पुलिस का काम है, निसंदेह पुलिस ने अपना काम शुरू किया है और कांग्रेस को एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के तरह इसमें सहयोग करना चाहिए कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, कौन से लोग इसके लिए जवाबदेह हैं, इसमें उन्हें भी पुलिस अनुसंधान में मदद करनी चाहिए। लेकिन पहले ये एक संवेदनशील मसला है, कांग्रेस को हिम्मत तो जुटानी चाहिए कि इस पूरे प्रकरण आप आरक्षण को लेकर के आप अपना स्टैंड रख सकते हैं। आप कई सवालों पर जातीय जनगणना, आरक्षण या मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में है, खिलाफ है, देश की राजनीति के विमर्श में ये सारे सवाल आएंगे। लेकिन इसके ऐसे सस्ते और सतही हथकंडे इस्तेमाल करना, गैर कानूनी तरह के जो कार्य हैं, इनको अगर प्रश्रय कांग्रेस देती है तो मुझे नहीं लगता है कि इसका समर्थन किसी भी इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दल को करना चाहिए। सही जवाब साहब, कांग्रेस के नेता पर है। हाँ। और उसके उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ओके, सही जवाब साहब, सस्ते हथकंडे शब्द का इस्तेमाल हुआ है और जब कोई मुद्दा नहीं मिला तो फेक नैरेटिव जारी कर देने का आरोप भी किसी और पर नहीं, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया रुजिका जी आपका वक्त देने के लिए। एक राहत इंदौरी का बड़ा मशहूर शेर है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, और पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। इनके आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ऐसा ऐसा झूठ बोले हैं किसान आंदोलन को लेकर के, शाहीनबाग आंदोलन को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर के, और अभी जिस इंसिडेंट का जिक्र राजकुमार भाटी जी कर रहे थे उसी इंसिडेंट का जिक्र दोबारा दोहराता हूं कि खुद माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उनकी आईटी सेल इतनी बड़ी है कि झूठ भी फैलाती है, डर भी पैदा होता है, तमाम चीजें होती है। लेकिन हैरत की बात है, और माननीय प्रधानमंत्री जी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर जब झूठ फैला रहे थे, जब मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ पाए इन 10 साल के कार्यकाल के ऊपर, आप मांगते हैं ना कि आपने देश के अंदर नोटबंदी करी है हमको वोट दो, हमने GST नाफिज करा है हमको वोट दो, हमने अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आए हमको वोट दो, हमने महंगाई कम करी है हमको वोट दो, हमने सिलेंडर जो है वो सस्ता करा हमको वोट दो। इन मूलभूत समस्याओं पर वोट ना मांग करके स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे भी प्रधानमंत्री जी है, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है जब 10 साल के मुद्दों के ऊपर चुनाव ना लड़ करके, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बदनाम करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बदनाम करके, आप सोचिए कि मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री को जिन्होंने एक बेहतरीन कार्यकाल निभाया उनको बदनाम करके, मैं तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सम्मान करता हूँ। हाँ। लेकिन उसके ऊपर बात ना करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है किस नैरेटिव, अब आरक्षण विरोधी और संविधान विरोधी भाजपा कैसे, वो भी बताता हूँ। नहीं नहीं, एक सेकंड, पहले जो बातें आपने कही थी जवाद साहब, जो आरोप लगाया उसका जवाब मैं ले लेना चाहती हूँ। अजय आलोक, आपने सुना है सैयद जवाद कह रहे हैं कि फेक नैरेटिव के मास्टर तो आप लोग हैं, जब आप करें तो अच्छा। अच्छा, अगर अमित शाह जी ने ऐसा कहा आईटी सेल में और अगर हमने फेक नैरेटिव चलाया तो आपको क्या हाथ में लकवा मार गया था, जाते पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हमारी जैसे हमने की दिल्ली पुलिस में? अगर हम अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अगर कोई फेक नैरेटिव या फेक वीडियो चलाते हैं तो आपको किसने कहा था कि घर में बैठे रहो, आप पाए 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 करते रहो कि फेक नैरेटिव चला रहे हैं? शिकायत क्यों नहीं की हमारी पुलिस में, अपने ही राज्य में पुलिस से शिकायत कर देते, मना किसी ने किया था? अब घड़ियालियों आंसू बहा रहे हैं। दूसरी बात, आप लोग क्या बात कर रहे हैं, वोट मांगोगे इस बात पे उस बात पे? अरे नोटबंदी के बाद, GST के बाद वोट मांगा 2019 में, 303 लाए,
और 2024 में वोट मांगेंगे 370 लाएंगे। देख रहे नहीं और दूसरी बात, आप लोग किस बात पे वोट मांग रहे हो? किस बात पे? अरे एक मिनट एक मिनट, किस बात पे आप लोग वोट मांग रहे? आप लोग बीच में नहीं, बीच में नहीं सुनिए ना, किस बात पे आप लोग वोट मांग रहे हैं? घमंडिया लोग किस बात पे? घमंडिया लोग एक मिनट, बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? घमंडिया लोग किस बात पे वोट मांग रहे हैं? बिहार में तेजस्वी यादव घूम घूम के वोट मांग रहे हैं कि लालू यादव मेरे पिताजी को कोर्ट ने भ्रष्टाचारी माना, सजा दे दी लेकिन मुझे वोट दो। कांग्रेस वोट मांग रही है कि राहुल गांधी कह रहे हैं मैं बेल पे हूं नेशनल हेराल्ड में, मेरी माँ भी बेल पे, मुझे वोट दे दो, भ्रष्टाचार के नाम पे आपको वोट दे दो, हम विरासत टैक्स लाएंगे। एक मिनट एक मिनट जवाहर साहब सुनिए, हम विरासत टैक्स लेके आएंगे, हम विरासत टैक्स लेके, एक मिनट सैयद जवाद रुकिए ना, आपने बोला ना बोले तो आपने आपने पूरा आपने पूरी बात रखी कि फला चीज पर वोट दे दो, फला चीज पर वोट दे दो, बीच में किसी ने नहीं टोका ना, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपको देती हूँ 30 सेकंड काउंटर। ओके ओके, इनको वोट, इनको वोट रूबिका जी आप इसलिए दे दीजिएगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि ये विरासत टैक्स ला रहे हैं, आपके भी बेटी बेटियां हैं, आप उनकी शादी में जो भी दोगे तो 55% टैक्स सरकार को भी दे देना, इसलिए आप इनको वोट दे देना। मैं भी